नमस्कार, डीबी भारती समाचार देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस की सरकार बनी तो मिलेंगी छत्तीसगढ़ जैसी सुविधाएं, महाजन संपर्क अभियान में बोले मंत्री राजेश तिवारी। केंद्र जनता के लिए पैसा भेजती है लेकिन राज्य सरकार नहीं करती खर्च, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बोले केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव। टीके के बाद भी संक्रमण से सबसे ज्यादा केस डेल्टा वेरिएंट से, रोज मिल रहे 30,000 से ज्यादा मामले। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में सूबेदार राम सिंह शहीद, 6 महीने बाद होना था रिटायर। रक्षाबंधन से यूपी पूरी तरह अनलॉक, रविवार का लॉकडाउन भी खत्म, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राव की अगुवाई में 5 वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 11 मोटरसाइकिल एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस कप्तान प्रदीप गुप्ता ने बताया कि शातिर वाहन चोरों का गिरोह जो फरेंदा के एक हिस्ट्री सीटर की देखरेख में चल रहा था, ये गिरोह मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद नेपाल में 5,000 से 8,000 नेपाली रुपए में बेच देते थे, जिसके बाद नेपाली करेंसी को इंडियन करेंसी में बदल लेते थे। पूछताछ में इस गिरोह में कुल नेपाली लोग भी शामिल पाए गए हैं, जिसको लेकर नेपाल पुलिस से सहयोग लेकर कार्यवाही की जाएगी। थाना पुरंदरपुर पुलिस द्वारा ये 5 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है और ये शातिर वाहन चोरों का एक गिरोह है। इसमें मोहम्मद यूनुस नाम का एक थाने का हिस्ट्री शीटर है फरेंदा थाने का, जो पूर्व में भी वाहन चोरी में कई बार जेल गया है। एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी पहचान हुई और उसके बाद इस गैंग का खुलासा हुआ। इनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें जो जनपद महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर आदि की चोरी की हैं, ये बरामद हुई हैं और इनके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये वाहनों को ले जाके नेपाल में बेचते थे और 5,000 से लेकर 8,000 रुपये नेपाली करेंसी में ये बेच के आते थे और यहाँ के पास में ये नेपाली करेंसी को चेंज करके इंडियन करेंसी में चेंज करते थे। और इनसे पूछताछ में काफ़ी खुलासे हुए हैं। नेपाल के भी कुछ लोगों के नाम आए हैं जिन पर भी हम नेपाल पुलिस का सहयोग लेकर कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद थाना उत्तर की मंडी समिति परिषद में देर रात गरीबों के वितरित होने वाले राशन के चावल की कालाबाजारी का मामला, चावल के 2 ट्रक भी पकड़े गए हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम, खाद्य विभाग के अधिकारी और मंडी समिति इंस्पेक्टर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि गाड़ियों में भरा चावल कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा है। जांच के बाद अगर मामला सही पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम मेघ सिंह पहलवान है, मैं भारतीय किसान भानुजो जिला अध्यक्ष हूँ, मजदूर। मेघ सिंह जी, आपने आज सत्कार टॉकीज मंडी समिति पर जी ट्रक रोक रखा है जी, किस बात को लिए रोक रखा है और क्या कर रहे हैं? पकड़ा है ये हमारे कुछ पदाधिकारी, पहले भी मंडी में छोटी छोटी गाड़ियां पकड़ चुके हैं, तो हमने कहा ये गरीबों का चावल, इसकी कालाबाजारी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको राइट नहीं है कि ये राशन की दुकान का चावल आप लोग बेचें। ये पहले बता दिया, आज फिर ये बड़ी मात्रा में जब कालाबाजारी पकड़ी गई, हमारे एक पदाधिकारी ने बताया, तब हमारे सुखवीर पहलवान जी, हृदय शर्मा जी, ये हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी कौशल किशोर उपाध्याय जी, विक्रम जी, सोलंकी जी, आज सभी लोग पहुँचे। उन्होंने देखा बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है, तब हम लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से ये अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि ऐसे दलालों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। कितनी गाड़ियां हैं? जेल भेजने का काम कितनी गाड़ियां? अभी हमने 2 गाड़ी पकड़ी है, तीन गाड़ियां, एक ये रही, एक वो खड़ी है, एक लोड। एक तरफ योगी सरकार फ्री गरीबों को राशन वितरण करा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के लिए? सरकार का इसमें क्या दोष है? सरकार तो गरीबों के लिए भेज रही है, सरकारी अफसर का। यहाँ पे दोष है उन राशन डीलरों का जो ऐसे भेड़ियों को, गरीबों का पेट काट करके जो जिनके लिए खाना आता है। क्या मांग करते हैं आप योगी सरकार से? योगी सरकार से ये मांग करते हैं कि इन हमें न्याय चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनके लाइसेंस, जो आड़तिया ये चावल खरीद रहे हैं या चावल की कालाबाजारी कर रहे हैं, इनका लाइसेंस निरस्त करके और इनको जेल भेजने। अगर बात
मंडी समिति अगर बात मंडी समिति की जाए तो मंडी समिति में क्या लगता है किसी तरीके की? मंडी समिति में हमें ये लगता है ये मंडी समिति में कैमरे लगे हुए हैं और ये एक चोर गेट बना रखा है इन्होंने। ये खोलते तो है नहीं, ये तब खुलता है जब ये काला बाजारी वाला माल, दो नंबर का माल जब ये भेजते हैं तब इसको खोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है मंडी प्रशासन की, मंडी सचिव हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो। क्या किसी अधिकारी को कांटेक्ट किया बताने की कोशिश की? जिला में ऐसा अधिकारी बचो ना है, जाकू हमने बताई ना है। तोड़वा के देखा है बोरी पे, उत्तर सरकार को कोई मार्का अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जांच के लिए इसको थाने ले जा रहे हैं। दोनों गाड़ियों को अभी दो गाड़ी दिख रही है, एक और है क्या? जी 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 क्या मानते हैं सर ऐसी कालाबाजारी को? ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये राशन का चावल है और आपको दिखाया भी गया था, क्या मानते हैं ये राशन का चावल है क्या? इसके जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी, इसको थाने ले जा रहे हैं, इसकी जांच होगी तभी कह पाएंगे कुछ। सर अगर बात की जाए मंडी समिति की, तो मंडी समिति के सचिव पर, मंडी समिति को होना चाहिए अभी, मंडी समिति के सचिव पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनकी मिली भगत से सारा काम बहुत लंबे अरसे से किया जा रहा है। होना चाहिए, कोई भी मंडी इंस्पेक्टर नहीं है अभी यहाँ पर। दो घंटे हो गए सर। क्या मानते हैं आप? आप मानते हैं कि मिली भगत है? अगर मंडी समिति का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ मंडी समिति किसी माध्यम से कि उनके कोई इंस्पेक्टर आ जाए और उसका जवाब दे कि गाड़ी लोड कैसे हुई। जी सर, जी सर। और ये गेट कभी नहीं खुलता, आज कैसे खुल गया? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया है। वहीं इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी फरेंदा जनपद महाराजगंज सुनील दत्त दुबे द्वारा सभी पुलिस के अधिकारियों व जवानों को शपथ दिलाई गई। वह जाति संप्रदाय क्षेत्र धर्म व भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। वहीं ये भी कहा गया कि सभी प्रकार के मतभेद बातचीत व संवैधानिक माध्यमों से सुलझाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक गिरजेश उपाध्याय व सभी उप निरीक्षक गढ़ तथा सभी आरक्षी सम्मिलित रहे। ये आज पूरे देश में सद्भावना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों ने शपथ ली है कि हम लोग बिना किसी जात धर्म भाषा क्षेत्र के भेदभाव के बिना भावनात्मक जो हम देशवासियों का लगाव है उसके अनुरूप कार्य करेंगे तथा किसी तरह के जो भेदभाव है उसको समाप्त करेंगे। और हम लोग जो है जो भी मतभेद हैं वो संवैधानिक तरीके से उनको हल करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।